जो आज हम नई वीडियो लेके आप खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमने आज एक्स पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 20 आज हमने इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। एक्स पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 20 प्लस 20 को आप दूसरी साइड ले आएंगे, एक्स पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको पता है कि एक्स पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर 20 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -16 -4 इक्वल टू 0। अब हम जो एक्स की पावर 4 है इसके साथ हम 60 को लिखते हैं, -60 प्लस एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। अब इसका हम स्क्वायर बनाते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। तो बच्चों आगे हम यहाँ एक्स पावर 4 आ रही है तो इसको एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देते हैं। तो एक्स पावर जो 4 आ रही है इसको लिखते हैं हम एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और एक्स स्क्वेयर -4 प्लस एक्स स्क्वेयर -4। आपकी जो वैल्यू आ रही है वो ये वाली वैल्यू आ रही है, एक्स स्क्वेयर -4 वाली इक्वल टू 0। ये हमारी वैल्यू आ गई है, इसमें हम एक्स स्क्वेयर -4 को कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में एक्स स्क्वेयर -4 बाहर आ गया, पीछे रह गया एक्स स्क्वेयर +4। आगे बच्चों एक्स स्क्वेयर -4 इसमें बाहर चला गया और +1 इसमें आ गया। तो एक्स स्क्वेयर -4 से एक वैल्यू हमें मिल जाएगी, एक्स स्क्वेयर -4 इक्वल टू 0 करते हैं तो एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया। तो दोनों तरफ आप अंडर रूट लें तो एक्स इक्वल टू हमारे पास +-2 आ गया, -1 इसमें हमारे पास +2 आ गई है और -2 हमारे पास -2 की वैल्यू आ गई है। बाकी दूसरी वैल्यू जो हमने निकालनी है उसमें हम हमारे पास एक्स स्क्वेयर +4 +1 आ रहा है तो एक्स स्क्वेयर +4 और +1 हमारे पास +5 आ गया इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -5 के आ गए तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वेयर के साथ जो माइनस आ रहा है ये हमारा -1, हम इसको चेंज करते हैं अयोटा में तो 5 अयोटा हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है। दोनों तरफ आप अयोटा स्क्वेयर में चेंज हो जाते हैं तो दोनों तरफ आप अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 5 और अयोटा आपका बाहर आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू आपकी जहाँ पे अंडर रूट आते हैं साथ प्लस माइनस भी आता है तो इसको आप एक दफ़ा प्लस में लिख लें 5 आयोटा और एक दफ़ा एक्स -5 आयोटा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वैल्यू समझ आई होगी। इसमें X3 आपके पास आ गई है -5 आयोटा और X4 आपके पास वैल्यू आ गई है +5 आयोटा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।